हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही खूबसूरत कुर्ताज। और ये कुर्ताज आप कैजुअली पहन सकते हो या फिर आप चाहो ना तो इसके साथ मिक्स एंड मैच करके इसको अच्छा हैवी लुक भी दे सकते हो। ऐसे कुर्ते भी हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विद द फर्स्ट कुर्ता। सो ये मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था और कॉटन वेयर है ये। तो कॉटन के कुर्ते हमें हमेशा काम आते हैं और हम ढूंढते हैं कि अच्छा कॉटन हमें मिल जाए, तो वही अच्छा वाला ही कॉटन है। इसमें स्लीव्स आपको 3/4 आएंगी और इसमें ना सामने की तरफ ऐसे छोटे छोटे से बूटे बने हुए हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है पूरे कुर्ते में नीचे तक। ठीक है, तो अच्छी लेंथ में ये सारे कुर्ते आए हैं। प्लस इसका स्टफ बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर चेक करना। इसमें लाइन्स लाइन्स हैं, ऐसे खड़ी लाइंस। तो जब भी आप ऐसे खड़ी लाइंस वाला कोई भी कुर्ता या ड्रेस पहनते हो ना, तो आपकी हाइट और ज़्यादा लगती है। तो अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप ये डेफिनेटली चेक करना, ये कुर्ता आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इवन कोई भी इसे पहनेगा ना तो उसकी हाइट अच्छी दिखेगी और ये बहुत ही कंफर्टेबल वेयर होता है मेरे हिसाब से। तो मैं कॉटन के कुर्ते ढूंढती रहती हूँ, मुझे लगता है हर कोई ऐसे ही ढूंढता है। इसके साथ आप वाइट या फिर डार्क ब्लू कलर की अगर आप लेगिंग या फिर पलाजो पहनोगे ना, उसके साथ अगर दुपट्टा डालोगे तो इसका एक हैवी लुक भी हो जाएगा। और अगर आप इसको सिंपल वेयर करना चाहते हो तो कोई भी कलर, यानी कि वाइट या फिर डीप ब्लू कलर की लेगिंग या फिर प्लाजो के साथ इसको आप स्टाइल कर सकते हो, पेयर कर सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट कुर्ता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है इंडोवेरा ब्रांड से। वो सारे अच्छे ब्रांड्स के ही मैंने लिए हैं ताकि आपको टेंशन ना रहे। तो देखिए, इसकी स्लीव्स भी 3/4 ही आएगी और सामने की तरफ इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, एज यू कैन सी, बहुत ही प्यारा सा। इसका कपड़ा आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत सिंथेटिक टाइप का होगा, है ना, पर ऐसा नहीं है। इसका कपड़ा अच्छा है, सिंथेटिक नहीं है। और ये स्ट्रेट कुर्ता है, अच्छी लेंथ में आया और इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। अच्छे रेट पे ये अवेलेबल है अमेजोन पे। एंड यस, अमेजोन पे ना टाइम टू टाइम सेल चलती रहती है, 50-80% तक ऑफ आ जाता है। मतलब आपने अगर कोई ड्रेस अपने कार्ट में डाल के रखा है, उसकी जो भी प्राइस है उससे काफ़ी कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर चेक करना सारी लिंक्स और अमेजोन की साइट भी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कुर्ता। नेक्स्ट वाला जो मैंने दिखाया, इसका कलर मुझे अच्छा लगा। मेरे हिसाब से हर कलर पहनना चाहिए हमें, हम किसी दो या तीन कलर के हिसाब से ना रहें, सारे कलर्स पहने और देखें कि हम उसमें कैसे लगते हैं। अच्छा लगता है मुझे तो सब तरह के कलर्स पहनना, तो इसलिए मैंने ये लिया था। कुछ ऑलिव ग्रीन से थोड़ा सा लाइट कलर है ये, क्या कलर बोलेंगे इसको, मेहंदी कलर है ना, ये मेहंदी कलर में है। ओके, तो नेक्स्ट जो कुर्ता है वो है ऑरेंज कलर में और ये कुछ सिल्क टाइप का कपड़ा है। अगर आप इस टाइप के कपड़े में कंफर्टेबल होते हैं तो आप डेफिनेटली इसको चेक करना। तो देखिए, 3/4 इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे भी इस टाइप से प्रिंट है और सामने की तरफ भी ऐसा प्रिंट है। आई थिंक ये फॉयल प्रिंट इसमें किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, मतलब डिज़ाइन में। और ये एकदम स्ट्रेट कुर्ता है, हेम तरफ से आपको ऐसा कुछ बॉर्डर मिलेगी, चौड़ी सी बॉर्डर, ये देखिए। ठीक है, तो इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं आई है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार लाइनिंग आनी चाहिए थी, कॉटन की लाइनिंग। बट ठीक है, आप लाइनिंग अपने हिसाब से पहन के और इसको आप पहन सकते हैं अगर आपको ये कुर्ता अच्छा लग रहा है तो। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा फेस्टिव वाला वाइब दे रहा है। और इसके साथ हम ब्लू या फिर कोई भी कलर जो इसके साथ मिक्स एंड मैच हो, जैसे मुझे तो लग रहा है कि ब्लू कलर में अच्छा लगेगा ये, ब्लू लेगिंग और दुपट्टे के साथ रामा ग्रीन कलर भी इस पर अच्छा लगेगा, आप पहन सकते हो। तो ये कुर्ता भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसको चेक जरूर करना। नाउ अगेन इंडोएरा का कुर्ता और ये है बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर में, कॉटन कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल। और इस पे भी प्रिंट किया हुआ है, फॉयल प्रिंट है। फॉयल प्रिंट है ना, निकलता नहीं। अगर आप कोई भी अपने कुर्ते को भिगा के रखोगे पानी में बहुत देर तक के लिए तो वो निकलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के जो फॉयल प्रिंट आते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो आप भिगा के मत रखिए, आप फटाफट से उसको वॉश कर लीजिए, फॉयल प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो देखिए, ये इस टाइप से है, बहुत अच्छा कपड़ा। और इसमें स्लीव्स में भी आपको डिज़ाइन मिलेगी, अच्छी सी चौड़ी सी बॉर्डर है ब्राउन कलर की ही। और स्ट्रेट कुर्ता है ये हमारा और इसमें ना नीचे तक ऐसे कुछ डिज़ाइन बनी हुई है पूरे कुर्ते में, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। इसका कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा और हम ऑफिसेज वगैरह में इसको आराम से, कॉलेज वगैरह में पहन सकते हैं। इसके साथ हम वाइट लेगिंग पहने, ब्लैक पहने, ब्लू पहने, डीप रेड पहने, कोई सा भी लेगिंग हम पहने या फिर प्लाजो, अच्छा ही लगेगा ये कुर्ता। मुझे ये अच्छा लगा, इसका पैटर्न भी मुझे अच्छा लगा एज वेल एज इसका स्टफ भी अच्छा लगा। सो
इसके बाद जो लास्ट कुर्ता मैं आपको दिखा रही हूँ वो है रॉयल ब्लू कलर में। अगेन स्टफ बहुत अच्छा है, मैं सभी कुर्ते के लिए यही बोल रही हूँ, लेकिन हाँ किसी के लिए जो स्पेशली बोल रही हूँ तो उसका स्टफ सचमुच में बहुत अच्छा है। इसमें भी फॉइल प्रिंट किया हुआ है एज वेल एज इसमें बॉर्डर पे ऐसे गोटा लगा हुआ है, देखिए आप ऐसे देख सकते हैं कितना सुंदर सा लग रहा है। 3/4 इसकी स्लीव्स हैं सामने की तरफ, ये इस टाइप से इसमें डिज़ाइन बनी हुई है और पूरा ये स्ट्रेट कुर्ता है, बूटे बूटे बने लास्ट तक इस पूरे कुर्ते में एज यू कैन सी। ओके सो इसके साथ भी आप बहुत सारी लेगिंग या फिर प्लाजो पेयर कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, और ये पिंक कलर की अगर आप लेगिंग या प्लाजो पहनोगे इसके साथ तो काफ़ी अच्छा लग जाएगा, ये बहुत मस्त लगने वाला है। तो ये भी कुछ फेस्टिव वाला वाइब दे रहा है, अच्छा कुर्ता है, अफोर्डेबल रेंज में है, आप ज़रूर इसको चेक करना। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको सारे कुर्ते अच्छे लगे होंगे, उनमें जो भी अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यार प्रतिमा ये वाला कुर्ता अच्छा था, ठीक है, लिंक जरूर चेक करिएगा। आप सभी से मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।